वो एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें आधुनिक युग के महाग्रंथ का रचयिता माना जाता है और उनकी रचना के प्रसारण पर लोग शीश नवाते हैं। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। उनकी फिल्मों ने दर्शकों के बीच भारी लोकप्रियता बटोरी और उन्हें इनके लिए कई अवार्ड भी मिले। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। उन्हें बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे का भी महारथी माना जाता था और उनकी रचनाओं पर अब तक शोध हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्मकार अपनी जवानी में न सिर्फ मृत्यु शैया को मात देकर उठे बल्कि गोलियों और बमों के बीच से अपने ही शहर को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ जहां उन्हें सनातन धर्म का युग प्रवर्तक तक कहा गया, वहीं दूसरी तरफ उनके सौतेले भाई ने अपनी फिल्मों में सनातन धर्म का जमकर मजाक उड़ाया जिसे वो रोक न सके। कौन थे वो फिल्मकार और कौन सा था वो मेगा सीरियल जिसे प्रसारित करने के लिए एक चौकीदार से भी उन्हें बेइज्जत होना पड़ा था, और क्यों इच्छा न होने के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री के दबाव में उन्हें बनाना पड़ा था अपने धारावाहिक का विवादास्पद सीक्वल। तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं। और तू जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं आरजू और आंखें जैसी फिल्मों के लिए अवार्ड जीतने वाले फिल्म निर्देशक और टेलीविजन के इतिहास में सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक रामायण के निर्माता रामानंद सागर की। इस महान निर्माता निर्देशक का पूरा जीवन खुद किसी फिल्म से कम नाटकीय नहीं है। उनके जीवन की कहानी में रोमांच भी है और संघर्ष भी, एक्शन भी है और इमोशंस भी। आइए डालते हैं एक नजर उनके जन्म से भी पहले के उनके परिवार और हालात पर। रामानंद के परदादा लाला शंकरदास चोपड़ा, जो पेशावर से कश्मीर आए थे और उस वक्त के सॉल्ट रूट पर व्यापार करके और अपनी मेहनत के बल पर उस वक्त श्रीनगर के नगर सेठ बन गए थे। आज भी श्रीनगर में एक चौराहे का नाम शंकरदास चौराहा है। शंकरदास के पुत्र यानी रामानंद के दादा लाला गंगाराम ने सन 1887 के करीब श्रीनगर में अपना अच्छा खासा व्यापार जमा लिया था, लेकिन उनके पुत्र दीनानाथ चोपड़ा का लगाव शायरी और कविताओं से था। वह खुद से कुछ शायरी और कविताएं लिखा भी करते थे और उनका लिखने का नाम तेज पेशावरी था। परिवार वैसे तो श्रीनगर में सेटल था, लेकिन तेज पेशावरी लाहौर में ही रहना पसंद करते थे, जो तत्कालीन उत्तर भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक अहम मुकाम था। रामानंद का जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर के पास असल गुरु नामक जगह पर हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम चंद्रमौली चोपड़ा रखा गया, जो उनके शिवभक्त पिता ने रखा था। उनके पैदा होने के लगभग 5 साल बाद उनकी नानी ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इस तरह कहें तो उन्हें अपने माँ बाप का साथ नहीं मिल पाया। उनकी माँ ईश्वरी देवी का लगभग 26 साल की उम्र में ही बीमारी से देहांत हो गया था। चंद्रमौली को गोद लेने वाले परिवार ने उनका नाम बदलकर रामानंद रख दिया, जिसे आने वाले सालों में उन्होंने कई बार बदला, जैसे रामानंद बेदी, रामानंद चोपड़ा, रामानंद कश्मीरी और आखिर में जाकर उन्होंने अपना नाम रामानंद सागर रखा। इस नाम बदलने की भी एक अलग कहानी है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। कहते हैं रामानंद की लेखन प्रतिभा बहुत गजब की थी। उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रीतम प्रतीक्षा जैसी कविता लिख डाली थी, जो आज भी साहित्य प्रेमियों को रोमांचित करती है। इन्हीं शुरुआती दिनों में उन्होंने संस्कृत और फारसी लैंग्वेज के लिए
यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के साथ साथ मिलाप और प्रताप आदि अखबारों में एक रिपोर्टर की तौर पर शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के दम पर वह मिलाप के न्यूज एडिटर बन चुके थे। अगर उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो उन्होंने 1942 के करीब एक क्लैपर बॉय के तौर पर शुरुआत की थी। दुर्भाग्यवश उन्हें उसी वक्त टीबी की बीमारी ने घेर लिया और जैसा कि उन दिनों होता था टीबी के मरीज को सेनेटोरियम भेज दिया जाता था। वहां वह इंतजार करता था कि उसकी मौत कब तक और कितने वक्त में हो। लेकिन रामानंद का लेखन से प्यार अभी भी नहीं छूटा था और उन्होंने डायरी ऑफ अ टीबी पेशेंट कॉलम आदाब मशरिक नाम की मैगजीन में लिखना शुरू कर दिया। ये डायरी महज शायर का तखय्युल नहीं बल्कि नफ्सियात की हकीकत का मुताला है। जैसा कि भगवान को मंजूर था उनकी बीमारी ठीक हो गई और उन्होंने मौत के मुंह से वापसी कर ली। अपनी बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में भी काम किया। उन दिनों पृथ्वी थिएटर एक चलती फिरती ड्रामा मंडली थी जो विभिन्न शहरों में घूम घूम कर नाटकों का मंचन करती थी। उन्हें कृष्णा नाम की फिल्म में अभिमन्यु का किरदार भी मिला लेकिन यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर उन्हें फेमस डायरेक्टर महबूब खान और कहानीकार कृष्ण चंद्र ने मुंबई आने का न्योता दिया। यह वही दौर था जब भारत स्वतंत्र होने वाला था और चारों तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। रामानंद का परिवार आजादी के वक्त तक लाहौर में ही रहता था और जब पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का खुलकर कत्लेआम हो रहा था। हर तरफ मारकाट मची हुई थी और धर्म के नाम पर खुलेआम हत्याएं हो रही थी। तब रामानंद जी ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को दिल्ली ले जाने की बजाय श्रीनगर लेकर जाएंगे जो कि उनका पैतृक घर भी था। वैसे भी दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में कोई एक आधी ट्रेन दंगाइयों से बचकर दिल्ली पहुंच पा रही थी। वह श्रीनगर पहुंचे तो सही लेकिन कट्टरपंथी ताकतों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की सोची। रामानंद सागर दिल्ली पहुंचे जहां उन्हें सरकार ने रहने के लिए दरियागंज में एक मकान दिया। कुछ वक्त वहां रहने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। उनके पुत्र प्रेम सागर बताते हैं कि जब वह मुंबई पहुंचे तो उन्होंने पहली बार सागर के दर्शन किए। वह हैरान रह गए कि इतना पानी भी सागर में हो सकता है। उन्होंने सागर को नमस्कार करते हुए मन ही मन कहा, प्रभु मैं कुबेर की नगरी तो पहुंच चुका हूं, मुझे यहां स्वीकार किया जाए। बताते हैं कि समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और रामानंद जी के पांव तक आकर घूम गई तो उन्हें लगा कि वरुण देवता ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और तभी से उन्होंने अपने नाम के आगे सागर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी वह लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम कर चुके थे लेकिन मुंबई उनके लिए नई थी। बताते हैं कि उनकी लेखन प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने सबसे पहले राज कपूर की बरसात जो 1949 में आई थी इस फिल्म में कहानी डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा। अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आती। मगर तुम क्यों नहीं सोते? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोता? क्योंकि वह पृथ्वीराज कपूर की ड्रामा कंपनी में काम कर चुके थे इसलिए राज कपूर साहब ने भी उन पर भरोसा करके उन्हें काम दे दिया। यह फिल्म बड़ी हिट रही और इससे रामानंद सागर को भी इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल हुआ। अब तो तुम भी शायरी करने लगे हो। अब सच में तुम्हें प्यार हो गया। मगर ये प्यार क्या होता है? इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट कॉर्पोरेशन सन 1950 में शुरू की। उनकी पहली फिल्म थी मेहमान जिसे उन्होंने खुद ही लिखा था। 1950 से लेकर 1984 तक रामानंद सागर साहब ने करीब दो दर्जन फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें से 15 सुपरहिट रही। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। रामानंद सागर की खास फिल्मों पर हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे उनके भव्य सीरियल रामायण की। सीता राम
रामानंद सागर देवी शक्ति के उपासक थे और उनकी प्रेरणा से धर्म की सेवा में कोई योगदान देना चाहते थे। रामायण सीरियल बनाने की शुरुआत का किस्सा सन 1975-76 में ही शुरू हो गया था, जब सागर साहब फिल्म चरस की शूटिंग कर रहे थे। यह शूटिंग हो रही थी फ्रांस के पहाड़ी इलाके में। सबसे पहली बार उन्होंने वहीं आल्प्स के पहाड़ों में किसी रेस्टोरेंट में कलर टीवी देखा तो उन्हें पता चला कि पर्दे के अलावा छोटा पर्दा जैसी भी कोई चीज होती है। रामानंद सागर की बायोग्राफी फ्रॉम बरसात टू रामायण लिखने वाले उनके बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब में इनका जिक्र भी किया है। रामानंद सागर ने उसी समय फैसला कर लिया कि वह छोटे पर्दे की ओर भी रुख करेंगे और घर घर तक पहुंचेंगे। इसके लिए उन्होंने भगवान राम, कृष्ण, देवी दुर्गा आदि की कथाओं पर सीरियल बनाने की योजना बनाई। भारत वापस आने पर रामानंद साहब ने रामायण का खाका तैयार किया और इस सीरियल को फाइनेंस करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात भी की। उन्होंने अपने बेटों को भी सीरियल का फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास भेजा, लेकिन कोई भी रामायण जैसे धार्मिक सीरियल पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। दरअसल कोई भी यह मानने को तैयार ही नहीं था कि रामायण जैसा सीरियल, जिसके अहम किरदार बनावटी मुकुट और मूंछ लगाकर दर्शकों के सामने आएंगे, तो दर्शक उन्हें आज के मॉडर्न जमाने में स्वीकार भी करेंगे। लेकिन रामानंद सागर अपनी धुन के पक्के थे, तो उन्होंने इस बड़े सीरियल को शुरू करने से पहले एक छोटी शुरुआत करने की सोची और दूरदर्शन के लिए विक्रम बेताल नाम का सीरियल बनाया। यह सीरियल उस वक्त के लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ। इस सीरियल की खास बात यह थी कि रामायण में काम करने वाले मुख्य किरदार जैसे अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी और दारा सिंह जैसे किरदारों ने विक्रम बेताल में भी काम किया था। विक्रम बेताल की सफलता से उत्साहित होकर रामानंद सागर मुंबई से दिल्ली आए और दूरदर्शन दफ्तर के चक्कर काटने लगे। उन दिनों दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण कुछ ज्यादा ही होता था। प्रतिभा और बाजार की मांग के विपरीत दूरदर्शन उन दिनों सरकारी एजेंडे के अधीन चल रहा था और इस चैनल के अधिकारियों ने स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी उनके रामायण जैसे धार्मिक सीरियल को परमिशन देने से मना कर दिया। कहते हैं रामानंद सागर जब अपनी स्क्रिप्ट लेकर दूरदर्शन पहुंचे तो वहां के सरकारी अफसरों ने उनके पास एक चपरासी को भेजकर कहा, आपका सीरियल पास नहीं हो सकता क्योंकि इसके डायलॉग बिल्कुल बेकार हैं। अब यह सब उन्हीं से कहा जा रहा था जिन्होंने सन 1960 में पैगाम फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड तक जीता था। दरअसल तत्कालीन सरकार का यह मानना था कि इस सीरियल को परमिशन देने से बीजेपी जैसे उभरती हुई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचेगा और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। तो यहाँ पर रामानंद सागर रामायण को दूरदर्शन पर लोगों को दिखाना चाहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि भगवान प्रभु श्री राम के आदर्श और विचार आम लोगों तक पहुंचे, लेकिन यहाँ राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा था। हालांकि एशियाड के रंगीन प्रसारण से सन 1982 में ही भारत में टीवी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसके साथ ही राजीव गांधी की सरकार ने रेडियो और टीवी पर से लाइसेंस हटा दिया था और टैक्स भी कम कर दिए थे, जिससे वह आम लोगों की पहुंच तक आ गया। एक तरफ टीवी घर घर तक पहुंच रहा था तो दूसरी तरफ उन्हीं दिनों कांग्रेस ने साहबानों जैसा मुद्दा खुद ही छेड़ दिया था। मुस्लिम तुष्टिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम था और जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा कि हिंदू समाज भी कहीं कांग्रेस से अलग ना हो जाए तो उनकी सरकार ने फैसला किया कि रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर somehow he told his ministers that why can't you make pictures like Ramayana and Krishna. इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही कही जाएगी कि जो ऑफिसर और सूचना प्रसारण मंत्री कई सालों से रामानंद सागर को तरह तरह से जलील और परेशान कर रहे थे, उन सभी का तबादला हो गया। नए सूचना प्रसारण मंत्री अजित कुमार पांजा और नए सेक्रेटरी SS गिल ने खुद रामानंद सागर को धारावाहिक बनाने की अनुमति दे दी।
तो ही रोट टू मी दैट देयर इज ओनली वन पर्सन आई हैव गॉट दैट लेटर ही सेज दैट देयर इज ओनली वन पर्सन इन इंडिया हु कैन डू जस्टिस टू रामायण व्हाई डोंट यू मेक इट फॉर टीवी। कहते हैं जब सीरियल बनकर तैयार हो रहा था तब स्लॉट फाइनल करने में देरी हो रही थी। सन 1987 शुरू हो चुका था और प्रसारण शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐसे में अचानक 16 जनवरी को दूरदर्शन कार्यालय से फोन आया कि क्या रामानंद सागर 25 जनवरी से प्रसारण शुरू करने को तैयार हैं? अचानक मिले इस सवाल से रामानंद सागर चौंक गए। उन्होंने अधिकारी को कहा कि कल इसका जवाब दे पाएंगे। आनंद फानंद में रामानंद साहब ने अपने चारों बेटों को बुलाया और सबसे प्रसारण की तैयारी के बारे में पूछा। हालांकि सीरियल तैयार था लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बिना किसी निश्चित तिथि के कारण रुक गया था। सबने उनसे कहा कि कुछ और समय मांग लिया जाए, लेकिन सागर कहां थमने वाले थे। उन्हें इसी दिन का बरसों से इंतजार था। उन्होंने फोन करके दूरदर्शन को हाँ कह दिया। सागर साहब की टीम ने मिलकर 7-8 दिनों में ही प्रसारण की सारी तैयारी कर डाली और 25 जनवरी रविवार को सीरियल का पहला एपिसोड प्रसारित हो गया। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के अलावा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है। हालांकि प्रचार प्रसार का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन सीरियल का पहला एपिसोड ही खासा लोकप्रिय हो गया। देवराज इंद्र श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अगले हफ्ते तो मानो चमत्कार हो गया। सीरियल के दर्शकों में 500 गुना उछाल आ गया था। जल्द ही यह सीरियल लोकप्रियता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने लगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हर रविवार इसके प्रसारण के समय पूरे भारत में कर्फ्यू का माहौल हो जाता था। रामायण को शानदार दर्शक संख्या प्राप्त हुई। वर्ष 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस शो को इसके पहले प्रसारण पर 40 मिलियन लोगों ने देखा था। महाराज की आज्ञा है कि कल सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया जाएगा। राजा रामचंद्र की जय। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो ने अपने पहले प्रदर्शन के दौरान दूरदर्शन को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिलवाया। उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। खास बात यह रही कि यह माहौल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी फैल गया था। मेरा ये वरदान कहता है अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले। और जो लोग कुछ दिनों पहले तक रामानंद सागर को सटियाया हुआ बताते थे वो अब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आप शोक न करें पिताश्री, आप जैसे आदर्श राजा और धर्मपालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। हाल में कोविड के दौरान जब रामायण को दोबारा टेलीकास्ट किया गया तब भी इसकी दर्शक संख्या रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। बीबीसी के आंकड़ों के मुताबिक इसे दुनिया भर में 650 मिलियन से भी अधिक दर्शकों ने देखा, जिससे यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पौराणिक शो बन गया है। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। रामायण सीरियल का प्रसारण और इसकी आय पर जहां प्रभु श्री राम की कृपा मानी जाती है, वहीं इस सीरियल की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान माहौल बेहद चमत्कारी रहने की बात कही जाती है। अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। बताया जाता है कि रामायण सीरियल शुरू करने के बाद एक दिन मुंबई में रामानंद सागर के घर सागर विला के गेट पर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया तो रामानंद सागर ने अपने बेटों से कहा कि अब आपके जीवन में कामधेनु गाय आ गई है। और फिर वास्तव में वह गाय उनके परिवार में शामिल हो गई और पूरे सीरियल निर्माण के दौरान कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। यह भी बताया जाता है कि रामानंद सागर ने एक दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मशहूर हनुमान मंदिर के पास से हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। उनका कहना था कि जब भी वह अटकते तो हनुमान जी की मूर्ति उनसे बात करती थी और उन्हें डायलॉग व स्क्रिप्ट लिखने में मदद करती थी।
उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार ने यह भी कोशिश की थी कि रामानंद सागर रामायण न बनाए बल्कि उसकी जगह महाभारत बनाए। आंतरिक सूत्रों का कहना था कि राजीव गांधी के सलाहकारों ने उन्हें समझा दिया था कि रामायण के लोकप्रिय होने पर अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ सकता था। राजीव गांधी ने रामानंद सागर को कहा भी था कि वो महाभारत बनाए, जिसका विषय व कथानक तो बड़ा है ही, उसके किरदार भी रामायण से ज्यादा हैं। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। लेकिन रामानंद सागर साहब का कहना था कि जो व्यक्तित्व प्रभु श्री राम और सीता माता का है और जो त्याग लक्ष्मण के चरित्र में है, भाई के प्रति जो सम्मान का भाव भरत में है, यह सब महाभारत में नहीं है। इतना ही नहीं, पूजनीय ग्रंथ रामायण है, महाभारत नहीं। इसलिए वह किसी भी सूरत में रामायण ही बनाएंगे, महाभारत नहीं। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। रामायण की भारी सफलता के बाद राजीव गांधी ने उनसे उत्तर रामायण बनाने का अनुरोध किया, लेकिन शुरुआत में सागर साहब ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर रामायण यानी लवकुश एपिसोड रामायण की कथा का हिस्सा था ही नहीं, और उसमें माता सीता को राज्य से छल पूर्वक निकालने जैसे ऐसे काल्पनिक प्रसंग हैं जो भगवान राम की छवि को धूमिल करते हैं। इसलिए राम भक्त रामानंद सागर ने इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एक तरह से आदेश जारी कर इस धारावाहिक को बनवाया। अवध में ऐसा, ऐसा एक दिन आया। हालांकि सागर साहब ने अपनी सूझबूझ और तर्क क्षमता का प्रयोग करते हुए इस सीरियल को भी न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राज्यसभा में पधारी हैं। इतने लोकप्रिय सीरियल बनाने के बावजूद रामानंद सागर साहब को कांग्रेसी सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। संभवतः इसका कारण यह रहा कि रामायण की सफलता के बाद राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को भारी जनाधार मिला। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तब जाकर रामानंद सागर साहब को पद्मश्री सम्मान दिया गया। हालांकि वह इससे कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार थे। सागर साहब के बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के उपलब्धियों की बात की जाए तो वह एक बेजोड़ कहानीकार थे और उतने ही बेजोड़ निर्देशक भी थे। बताया जाता है कि उनकी हिट फिल्म आरजू की वजह से कश्मीर में टूरिस्टों की तादाद कई गुना बढ़ गई थी। उन्हें उनके दौर में सत्तासीन रही कांग्रेसी सरकार ने बेशक कोई इनाम न दिया हो, इंडस्ट्री व जनता ने भरपूर प्यार दिया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि उन्हें 1960 में फिल्म पैगाम के डायलॉग्स के लिए व 1969 में फिल्म आंखें के निर्देशन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सन 1996 में प्रयाग साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति यानी डॉक्टरेट की मानद उपाधि सौंपी थी। उसके अगले साल यानी सन 1997 में जम्मू विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। उनके मेगा सीरियल रामायण और भारत तथा विश्व की जनता पर उसके प्रभाव को लेकर कई विश्वविद्यालयों में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। रामानंद सागर लहराएगा, हर घर में लहराएगा, हर व्यक्ति में लहराएगा, हर देश में लहराएगा, सारे विश्व ब्रह्मांड में लहराएगा। इसके अलावा उन्हें अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सन 2000 में पद्मश्री से व टेली अवार्ड्स ने सन 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। एक तरफ रामानंद सागर ने रामायण जैसे सीरियल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र दर्शाया व उनका संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया, वहीं उनके सौतेले भाई विधु विनोद चोपड़ा की अलग ही कहानी है। जहां एक तरफ रामानंद सागर ने रामायण और कृष्णा जैसे सीरियल बनाकर उनके चरित्रों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और लोगों को सनातन धर्म व मानवता का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर उनके सौतेले भाई विधु विनोद चोपड़ा ने पीके जैसी मूवी बनाई जिसमें उन्होंने खुलकर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया और अन्य धर्मों के बारे में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अगर आपने यह फिल्म देखी होगी तो इसमें आपको भगवान शिव को फिल्म के हीरो आमिर खान के साथ वॉशरूम में दिखाया गया है।
साथ ही साथ फिल्म का हीरो भगवान शिव का कैरेक्टर निभाने वाले को सड़क पर भगाता हुआ दिख रहा है। बहरहाल दोनों भाइयों की अलग प्रवृत्ति ही उनकी अलग अलग पहचान रही है। 12 दिसंबर 2005 को रामानंद सागर साहब की 87 वर्ष की आयु में बढ़ती उम्र और कुछ बीमारियों की वजह से मृत्यु हो गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री व टेलीविजन जगत आज भी उन्हें एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एडिटर के तौर पर जानती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास रामानंद सागर साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें अवश्य बताएं।